Тролль. История с хвостом. Чинтю का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया. इस हफ्ते उनकी नाइट शिफ्ट है और मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में जाता है. अगर इमरजेंसी ना हो तो मैं आपको तकलीफ नहीं देती, लेकिन कोई बात नहीं. आज चिंटू का मूड कुछ खास नहीं है. ठीक है, मैं बात करता हूँ. थैंक यू. सुनो, तुम जो देख रहे हो वो एक प्राचीन तावीज है जो दुष्ट शैतानों से हमारी रक्षा करता है, और मेरे दादाजी ने मुझे ये दिया था. क्या तुम ये कहानी सुनना चाहोगे चिंटू? आपके पास चार्जर है? क्या कहा? चार्जर जिससे फोन चार्ज करते हैं. हाँ, ये फोन है ना, तुम्हें किसी से बात करनी है? कुछ बोलोगे? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता. वाह, जानते हो ये क्या है? प्लीज मुझे कोई कहानी नहीं सुननी. इससे मुझे एक कहानी याद आ गई. मुझे पता था. ये कहानी है धीरज और हिम्मत की. इस कहानी में प्राचीन राक्षस, जादुई जंगल, चलने वाले पहाड़ और एक राजकुमारी जो खुद को साबित करना चाहती है. और ये खूबसूरत कहानी हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है. उन दिनों हम इंसान जंगलों में रहा करते थे. एक जादुई दुनिया जो हमेशा के लिए बदलने वाली है, और उसे बदलेगा एक छोटा सा राजकुमार टिटू. माफ करना, थोड़ी जल्दी मैं हूँ. टिटू, सॉरी दोस्त, इसके लिए देर हो रही है. और भाई मैं चोट लग गई. हाय अपलम चपलम, जल्दी करो, रेस पर शुरू होने वाली है. जिलास जाएगा, सड़े अंडे खाएगा. अरे वाह, मुझे रेस बहुत पसंद है. वो तो बस मजाक कर रहा था मेरे दोस्त. और एक गया, अब दुश्मन बचे कम. देखती रहेगी दुनिया, इस बार रेस जीतेंगे हम. तुम बहुत अच्छा कर रही हो पिंकी, बहुत बढ़िया. अरे तुम्हारी पहले जादू है, शाबाश. ओ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. ओ, हम ही गलत मंत्र पढ़ रहे थे. पिंकी चलो, मेरे डैड फिर से रेस जीतेंगे. लेकिन एक बात कहूँ, ये मेकअप तुम पर जचता है. थैंक यू टीटू. रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो. माफ करना, मुझे आगे जाना है. आज तो फिर से लेट हो गए टीटू. तुमने सही पहचाना. चलो अब जल्दी से मुझे डैड के पास. और
हर साल सबसे शक्तिशाली दानव इस रेस में हिस्सा लेते थे जो राजा बनना चाहते थे। और राजा बनने के लिए उनका सामना था उनके सबसे बड़े दुश्मन से, जो है सूरज। सूरज, मैं चल रहा हूँ। इन सब में एक दानव था जो सबसे अलग था। वो बहुत बहादुर था और सारे दानवों का राजा था, और वो था टीटू का पिता। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं बेटा, तुम्हारे पिता वही कर रहे हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, जीतना। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। बहुत बढ़िया डैड। हाय ट्रिम। हेलो दोस्तों, मैंने ले आई। वो तुम दोनों को बेवकूफ कह रही है। हसमुख, आप भी आ गए। आइए मेरी सीट पर बैठिए, आइए जल्दी। शुक्रिया टीटू, लेकिन खुशबू कहाँ से आ रही है? आपको खाना मिल जाएगा दादाजी। मजाक कर रहे थे। वैसे एक बात बताओ, इस साल तुम काहे नहीं दौड़ रहे टीटू? बचपन से टीटू का एक ही सपना था, चंपक तेल प्रस्तुत रेस में हिस्सा लेना, लेकिन वो नहीं ले पाया क्योंकि डैड को लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। टीटू जल्दी करो, वो कैनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अभी आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, एक अच्छे काम के लिए, महान बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए और वहां का राजा बनने के लिए। टीटू, तुम्हारे चाचा तो फिर से चीटिंग पर उतर आए। दूर के चाचा कहो, बात खत्म। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलते रहो। ओके, बात गजब हर। चाचा, ये चीटिंग है। मैं जीतने वाला हूँ, मैं आज वाकई जीतने वाला हूँ। महाराज, आपने कर दिखाया। महाराज आपकी जय। अगले साल कोशिश करना। सड़ी शक्ल मत बनाओ गजोधर, सबसे ताकतवर दानव जीता है, मान लो। ताकत महाराज, जरा एक तस्वीर हो जाए। क्या बात है। आस्ते विजेता और रामगढ़ के महाराज, 10 साल में लगातार रेस जीतने वाले भाइयों और उनकी बहनों, पेश है महाराजा राम सिंह। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। तुम उसे अगली बार हरा दोगे गज्जू, कोशिश करते रहो, शायद 23वीं बार किस्मत साथ दे दे। मैं फिर से दूसरा आया मुन्ना, पूरी जिंदगी दूसरा, अंडे खाने में दूसरा, इस प्रतियोगिता में दूसरा,
पूरी जिंदगी भर हमेशा दूसरा आता रहा हूँ और इस सब का जिम्मेदार है वो। दिल छोटा मत करो, कम से कम तुम दूसरे तो आए हो। तुम सही हो, दूसरा कौन आता है? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे बस एक बार जीतना है। हे, मेरी तंदूरी कहाँ है? बाहर में जाओ तुम, ये महाराज के लिए है, उन्हें मेरा मुर्ग मसलम पसंद है। बस नमक थोड़ा सा कम है। टीटू यहाँ आओ बेटे। बेटे ने आज अफला पत्थर तोड़ा है। ये तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो मेरे बच्चे? वैसे इस साल रेस टक्कर की हुई है ना? डैड बोलो बेटे, क्या मैं अगली बार रेस में हिस्सा ले सकता हूँ? टीटू ये रेस कोई मामूली रेस नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं इस बारे में कोई बात नहीं। लेकिन डैड अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं ऐसे थक गया हूँ। क्या मैंने पहले कभी तुम्हें काले पंछी की कहानी सुनाई है? प्लीज अब कोई कहानी मत सुनाना डैड, अब मैं बच्चा नहीं रहा। पहले दानव राजा की सबसे छोटी खूबसूरत और प्यारी सी बेटी पूर्वीय महासागर में डूब गई थी। अब भला ये कौन सी कहानी है? उस राजकुमारी ने एक काले पंछी के रूप में पुनर्जन्म लिया जिसके पंजे लाल थे, लेकिन उसकी चोंच में हमेशा छोटा पत्थर या टहनी होती थी। वो पूरे पूर्वीय महासागर को भर देना चाहती थी ताकि किसी भी बच्चे की डूब कर मौत क्या ना हो। क्या एक मिनट रुकिए, एक एक पत्थर डालकर ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी, कितनी बेवकूफ थी। बिल्कुल सही, लेकिन राजकुमारी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए जिंदगी भर काम करने के लिए तैयार थी। हमें भी उससे कुछ सीखना चाहिए टीटू, धीरज रखो और हिम्मत मत हारना। आगे चलकर तुम्हें रामगढ़ पर राज करना है, लेकिन ये ताज इतने आसानी से नहीं मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा जिस तरह हमारे गांव की करता हूँ, यही एक राजा की जिम्मेदारी होती है। और राजा बनने का मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं होता। यो महाराज, अभी तो असली जश्न शुरू होने वाला है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ चलो। और जोर से मारो, शाबाश, और जोर से, जोर लगाओ और थोड़ा, इससे कुछ नहीं होगा गज्जू, जोर से, तुम्हें उसे हराना ही होगा, तुम्हें राम सिंह को हराना ही होगा, चलो गज्जू पूरा जोर लगा दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है बेटा, तीखी चटनी वाला मशरूम का सूप। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो, दिखता नहीं मैं अगली रेस की तैयारी कर रहा हूँ। इस घर में तो किसी को मेरी कद्र नहीं है, सूप यहाँ रख रही हूँ, मैं जंगल में टहलने के लिए जा रही हूँ, चलो पीछे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वो अब क्या हुआ गज्जू, तुम अभी भी वही सोच रहे हो? अगली बार मैं ही प्रतियोगिता जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। मेरे बाबूजी ही इस गांव के असली महाराज थे, शक्तिशाली, गुस्सैल और चतुर भी। हर कोई उन्हें चाहता था मुन्ना, गांव का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दानव भी, और वे कभी भी रेस नहीं हारे। मुझे माफ कर देना बाबूजी, मैं आपका बेटा नहीं बन सका, मैं नकारा हूँ, हार चुका हूँ। और लूजर है जो महाराज से हमेशा पिटता है। मुझे एक आइडिया सूझ रही है मुन्ना। क्या बात है गज्जू? देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। हम राम सिंह को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। लेकिन वो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। सही कहा, लेकिन पक्या उससे ज्यादा शक्तिशाली है। पक्या? लेकिन महाराज जादू जंगल में आखिर क्यों जाएंगे? जरूर जाएगा अपने बेटे को वापस लाने के लिए। आपको यकीन है डैड ने जंगल में जाने की अनुमति दी है? टीटू, उन्होंने खुद मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा है। आज वह किसी काम में फंसे हुए हैं, कह रहे थे कि तुम अब बड़े हो चुके हो और अब तुम रेस के लिए पूरी तरह तैयार हो। वाकई? तो चलिए। हाँ, मुझे अपनी पहली दौड़ याद है। मैं उम्र में तुमसे काफी छोटा था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हाँ, और मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। बस यूं ही दौड़ते रहो टीटू, कभी लौट कर मत आना। मेरे डोले दिखने चाहिए ललन। ओ, सारे दानव देखते रह जाएंगे महाराज। भैया देखो गजोधर, अगर तुम अपना हिस्सा मांगने आए हो तो याद रखो तुम्हारा हिस्सा। टीटू, टीटू अंधेरे जंगलों की तरफ गया है, मैंने खुद उसे जाते हुए देखा है। टीटू, टीटू तुम उतर से जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। अच्छी योजना है गजोधर, और पक्या के फंदों से बचकर रहना। जंगलों में है जहाँ पकिया रहता है। तुमने
तुमने सही कहा टीटू, लेकिन अब हम सीधे घर जाकर बात करेंगे बेटे। चलो अब घर चलते हैं, चलो जल्दी यहाँ से। लेकिन 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 कुछ नहीं, मैंने कहा घर चलो। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये तो पक्या का फंदा है। पकिया, टीटू तुम यहाँ से भागो जल्दी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने पीछे केले का पेड़ देखा था, धूप से आपको बचाने के लिए मैं पत्ते लेकर आता हूँ। नहीं टीटू, मैं बस अभी आया। कभी ऐसा मौका मिलेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भैया क्या तुम ठीक हो? गजोधर बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, जल्दी करो और मुझे इस फंदे से निकालो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी निकालता हूँ महाराज। और लो मैंने निकाल दिया। गजोधर मेरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? ओ महाराज तो फंस गए। माफ करना भैया, आज आखिर सबसे शक्तिशाली, सबसे होशियार, खूबसूरत दानव राजा बन गया है। महाराज, डैड, जीत गया। राम सिंह की मौत से सारे दानव बहुत दुखी हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थी महारानी गुड्डी। गजोधर ने उन्हें फंदे के बारे में बताया और उसने राम सिंह को बचाने की कैसे कोशिश की। लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, तब उसने झूठ बोला, टीटू राम सिंह की मौत का जिम्मेदार है और वो भाग गया है। अब अगली झुलसा देने वाली रेस होने तक गजोधर राजा बन गया और अब वो ये फिर से कभी होने नहीं देने वाला था। और पूरी कोशिश करने के बावजूद गांव वाले उसे गलत साबित नहीं कर सके। अब गजोधर उनका नया राजा बन चुका था, लेकिन टीटू के लिए उसकी जिंदगी का सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ था। कौन है वहां? मुझे कैसे ढूंढा? जादुई मंत्र से। कैसे हो? क्या कर रहे हो यार? देखो मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं। हाँ हमें पता है,
इसलिए हम यहाँ आए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और वैसे भी टिटू, तुम तो जानते हो हमारे दो असर हैं, और एक से भले दो। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है यार, तुम अपनी बकवास बंद करोगे। कैसे हो तुम? मुझे नहीं पता पिंकी, पता नहीं मैं क्या करूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। वाओ, हसमुख चाचा को इस बारे में पता है? इसके? ओ, मतलब मैंने उनसे उधार लिया है। देखो, वो मुझे उनकी तरह जादूगर बनाना चाहती हैं। तो ये बस मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, समझ गए? हाँ ठीक है, तो अब हम क्या करें? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है किसे पूछना चाहिए। चलो जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ, सब अंदर ले आओ, सबके सब आलसी कहीं के। टीम की चीजें ऊपर के कमरे में रखो और काम की सारी चीजें नीचे रख दो। दानव भाइयों और बहनों, तो आपके सामने पेश है मेरा और आपका दोस्त, एक नंबर का धोखेबाज और लालची राज महाराज गज्जू। मुझे लगता है हमें किले में जाना चाहिए। अभी चलते हैं महाराज। एक और टॉवल लेकर आओ, महाराज स्नान करने वाले हैं। ओह हसमुख, ये क्या हो गया? मुझे टीटू की बहुत चिंता है, उसे कुछ होगा तो नहीं? टीटू जरूर लौट आएगा रानी साहिबा। काश ऐसा ही हो, शायद हम किसी को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकता है। तो फिर चलो सीधे गांव चलते हैं, किले में घुसते हैं और सबको सच बताते हैं कि गजोधर झूठ बोल रहा है। मेरा यकीन मानो, गजोधर और उसके गुंडे हमें वहाँ पहुँचने नहीं देंगे। तो अब हम क्या करें? हमें बचाने के लिए डैड भी नहीं रहे, वो मर चुके हैं। लेकिन हम अब भी जिंदा हैं। देखो मैंने कहा ना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, हम कुछ कर लेंगे। देखो हम केचुए लेकर आए हैं, 17 जैसे तुमने कहा था। मैंने इसका नाम लल्लू रखा है। ये सूप है क्या? सही पहचाना, पर मैंने कहा था ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर ये हमारे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? तुमने ये कैसे किया? वक्त हो गया है, लेकिन किस चीज का? टाउटी को बुलाने का। बहुत खूब, अब ये टाउटी कौन है? चपलम रोज सपने में सुरीली से मिलता है। ये टाउटी एक ओरेकल है, हसमुख की तरह। हाँ ऐसा कह सकते हो। ये तो पकिया की आवाज है। ये पकिया नहीं है। हाँ मुझे पता था। अरे नहीं। कैसे हो बच्चों? तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन सवाल ये है, तुम में से पहले मैं किसे खाऊंगी? क्या ये भुने हुए केचुए हैं? हाँ बिल्कुल, और भी हैं। पता है आजकल कोई मुझे केचुए नहीं खिलाता, ये मेरे फेवरेट है। ओ, टेंशन मत लो, हमारे पास ढेर सारे केचुए हैं। मेरा नाम है पिंकी और ये है मेरा दोस्त टीटू, और ये है बुद्धू एक और बुद्धू दो। हेलो। माफ करना, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर यह हो क्या रहा है? तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैं हूँ डाउटी, इस अंधेरे जंगल की जादुई देवता। देखो तुमने सूप बनाया, मैंने सूप पी लिया, मुझे तुम्हें भविष्य बताना होगा, समझ गए? तुम्हारे दादाजी कैसे हैं बच्ची? ठीक है ना? उन्हें कहो मैं अब भी उन्हें पसंद करती हूँ। चलो तो अब काम की बात करें, बोलो किसे भविष्य जानना है?
मुझे बताओगी? ओ, तुम तो बहुत प्यारे हो। क्या तुम महाराज राम सिंह के बेटे हो? हाँ मैं ही हूँ, या मैं था। इंसान जरा सी बात पर हार मान लेते हैं। मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? सही कहा। और अब मेरा कमाल देखो, ये लो खोल दी मैंने जादू की पोटली। आज से 3 दिन और 3 रात के बाद आखिरकार आएगी वो जादुई रात। हवा की रफ्तार से निकालो पकिया को ढूंढ और अपने शक्तिशाली राजा को लौटा दो उसकी जोन। बचा लो अपने राजा को इससे पहले मुरझाए जीवन का फूल। तुम्हें किस्मत ने चुना है, ये मत जाना भूल 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 भूल। तालियां नहीं बजाओगे? मैंने अभी तुम्हारे सामने कविता की है, ये मैंने रची है अभी इसी वक्त, वो भी इतनी अच्छी। तो क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तुम्हें किस्मत ने चुना है बच्चे, तुम ही अपने राजा को बचा सकते हो। ये ज्यादा बात नहीं करता ना? महाराज की दुम खोजनी होगी और 3 दिन में उसे जोड़ना होगा, नहीं तो वो पत्थर बन जाएंगे। रोज़ेस फूल की एक पंखुड़ी टूटेगी। ये लड़की ये समझदार है, इसका साथ कभी मत छोड़ना। देखो तुमने कहा है तो सच ही होगा, लेकिन मैं बस एक बच्चा हूँ, मेरे डैड मर चुके हैं। अगर भविष्यवाणी सच भी है तो क्या मैं ये कर पाऊंगा? ओके, अब कान खोल कर सुनो, तुम्हारे डैड की दुम पकिया के पास है। पकिया? मेरे डैड की दुम पकिया के पास है? हाँ, वैसे वो बचपन से शैतान है तो तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। मैंने सुना है वो दानवों को खाती है। हाँ, पता नहीं क्यों टोस उसे बहुत पसंद है। तो अब समझ गए ना, यही तुम्हारी तकदीर है, तुम्हें जादुई दलदल में जाना। हाँ, है। हाँ, बिल्कुल समझ गए। चलो तो फिर मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। बाय। तुमने ये क्या किया? क्या तुम जानती हो मायूसी की दलदल तक कैसे पहुँचना है? अभी तक नहीं। तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या ना पता होते हुए भी पता है कहना मेरे बचपन की आदत है। लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? हाँ तो क्या हुआ, उसे फिर से बुला लो, मैं उसे पूछता हूँ। जादू करने के लिए अब मेरे पास सामान नहीं है बेवकूफ। बस इतनी सी बात, मैं सामान लेकर आता हूँ। जल्दी करो दोस्तों, हमें अब चलना चाहिए। सच में ऐसा हुआ था क्या? क्या कहा तुमने? हम मेरे डैड की पूछ पकिया से वापस लेंगे और 3 दिनों के अंदर उन्हें जिंदा करेंगे। मेरे कान बज रहे हैं, मैंने गलती से सुना कि तुमने दुम लाने के लिए कहा कि हम पकिया से लड़ने वाले हैं। अच्छा जोक था। मैं जा रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, अगर मुझे अकेला लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। तुम पूंछ के लिए जान दोगे? वो मेरे डैड की पूंछ है। लेकिन हम वहाँ कैसे जाने वाले हैं? एक एक कदम रख कर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें छोड़कर मत जाओ। गजोदर हमारा राजा है, गजोदर सबसे महान है, गजोदर पूरी दुनिया का सबसे अच्छा राजा है। महाराज गजोदर का कोई जवाब नहीं, गजोदर से बड़ा योद्धा कोई नहीं, गजोदर एक हाथ से पहाड़ के टुकड़े। आज मेरे पास सब कुछ है वरना खुद का किला है, ताज है, मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हो महाराज। तो फिर ये लोग मुझे प्यार क्यों नहीं करते, ये मुझे पसंद क्यों नहीं करते जैसे वो राम सिंह को करते थे? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। वो आपसे चलते हैं महाराज, सबके सब। अब राम सिंह के डोले आपसे बड़े तो क्या, रानी गुड्डी उसकी बीवी थी, उसके बाल भी अच्छे हैं, वो ज्यादा फुर्तीला और दयावान है और हमेशा सबकी मदद करता था। मुन्ना महाराज, मुझे एक आइडिया सूझ रही है। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? वो कोई है? देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन किसी भी ट्रोल को यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है। हा? यकीन नहीं है तो उसे पूछ लो।
इसे देखकर मुझे चक्कर आने लगे हैं। लगता है कोई सूर्योदय होने से पहले जंगल नहीं लौट पाया। चलो आगे बढ़े। अपलम चपलम हमारे हैं, हमारे हैं। मेरे दानव भाइयों और बहनों, आज हमें एक बहुत जरूरी काम पूरा करना है। आज हम सबको मिलकर महाराज गज्जू के लिए रानी ढूंढनी है। हम सब मिलकर नई रानी चुनेंगे। और हमारी पहली स्पर्धक है हमारे हलवाई की बेटी हसीना। देखिए क्या मर्दानी चाल है, इससे कौन शादी नहीं करना चाहेगा। सही कहा ना दोस्तों, हा? इसका हाथ जिस पर पड़ा वो कभी ना हुआ खड़ा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चुन्नीलाल की बेटी चमेली का। आओ मेरा मुकाबला करो। और अब आज की आखिरी स्पर्धक, तीसरी स्पर्धक का, इसके खूबसूरती का क्या कहना। जैसे बरसात में होगी जंगली घास। तो अब जोरदार स्वागत कीजिए टूटू के चाचा के पड़ोसी की चचेरी बहन तितली का। युड़ले, 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 तुम हो मेरे सपनों के राजकुमार। तो नंबर एक, अब तुम बताओ तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद आता है। जो दिन रात मेरी सेवा करे, अगर चाय लाने में देरी हुई तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। जल्दी बताओ अब खाना कब लगने वाला है, मुझे भूख लगी है। मैंने सुना है वो बस एक ट्रोल की दुम की तलाश में है ताकि वो एडवर्ड लौट सके और आखिरकार अपना बदला पूरा कर पाएगी। कहते हैं कि वो ट्रोल के खून की प्यासी है और अब अपनी दूसरी शिकार की तलाश में है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे नहीं, हाँ ये कहाँ से है, मुझे दर्द हो रहा है। बचाओ हमें। हाय गुड्डी, देखो मैं जानता हूँ बचपन में मैं तुम्हें चूंटी काटकर भाग जाता था, लेकिन वो अब सब भूल जाओ। देखो राम सिंह अब पत्थर का पतला बन चुका है, तो मुझसे शादी कर लो। ऐसे काम नहीं बनेगा गजोधर। तुम्हें यकीन है हम टीटू को ढूंढ पाएंगे? आप सब हम पर छोड़ दीजिए महारानी। हम कौन सा रोज जादू करते हैं। किसने जुर्रत की मुझे अपनी नींद से जगाने की। हसमुख क्या ये तुम हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। हेलो सुरीली, कैसी हो तुम, थोड़ी मोटी हो गई हो। आजकल कोई मुझे याद नहीं करता, बस छोटे मोटे काम करती हूँ। वैसे तुम्हें अपना डिनर का वादा तो याद है ना हसमुख।
याद है हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, घबराओ मत। ये बंदा मेरा फेवरेट शिष्य था। बताओ तुम क्या जानना चाहती हो? हाँ, मेरे पति के बारे में। राजा राम सिंह? हाँ, उनके बारे में सुनकर बुरा लगा। हाँ? मैं टाउटी हूँ, भूल गई? ओह हाँ, तुम तो सब जानती हो। लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। तुम जानती हो टीटू कहाँ है? हाँ, वो और उसकी चुलबुली दोस्त और दो सर एक जान वाले बुद्धू यहाँ आए थे। अरे नहीं। देखो तुम उसकी चिंता मत करो, वो बहादुर लड़का है और इस काम के लिए उसे किस्मत ने चुना है, वरना बाकी बहुत अकड़ते हैं। उसे चुना है? ओ भविष्यवाणी, इसका मतलब टीटू ही अब हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। लेकिन वो बस एक बच्चा है। वो भविष्यवाणी जरूर सच करेगा, हमें भरोसा रखना होगा रानी साहिबा, और गज्जू के राज को चुटकियों में खत्म कर देगा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मेरे कुकर की सीटी बज रही है। तुम चाहो तो चल सकते हो। हम तुम्हारे साथ जरूर खाना खाते हैं, लेकिन आज नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपना वादा मत भूलना। ओह हसमुख, अब गज्जू का खेल खलास। कौन है? ये क्या था? लगता है ये मौत का पुल पार करने के बाद हम पकिया के इलाके में पहुंच जाएंगे। वैसे पिंकी, इसे मौत का पुल तो मजाक में कहते होंगे ना, है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। मौत का पुल, हमें जंगल के सारे नाम बदलने होंगे। सीरियसली, इसे खुशियों का पुल क्यों नहीं कह सकते? चलो इसे पार करते हैं और घर चलते हैं, जल्दी करो। अरे नहीं, अब तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता, जो करता हूँ मैं भूल ही जाता हूँ। मुझे मत मारना प्लीज। इसीलिए मैं स्कूल में कभी ग्रुप प्रोजेक्ट्स नहीं करती हूँ। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे महाराज गजोदर है बेवकूफो। लेकिन सामने से तो ये तस्वीर से भी ज्यादा बुरे दिखते हैं। तुम दोनों यहाँ से जाओ। माफ कीजिए महाराज, लेकिन आपकी गैर हाजिरी में मैंने कुछ ऐसे कानून बनाए जिसके चलते सबको आपका आदर सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर कोई इससे मानने से इनकार करता है तो उसकी सिर्फ एक ही सजा होगी, सजाए मौत, वो भी इस पहिए के नीचे। वैसे ये मेरा आइडिया है। मुन्ना, ये बिल्कुल बकवास है, लेकिन मुझे पसंद है। आगे बढ़ो। और आपके जाने के बाद मैंने सुरक्षा और ईमानदारी का कानून भी बदल दिया। अगर किसी को पीने का पानी चाहिए तो उसको आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। महाराज, हम सब गजोदर को चाहते हैं, भले वो हमें चाहे या ना चाहे। तो आप सब साथ बोलो, किसे गजोदर पसंद है? बोलिए बोलिए। और एक तब्दीली है, आज के बाद कोई भी रेस नहीं होगी, मतलब आप हमेशा के लिए राजा बने रहेंगे। इसके लिए बस आपको यहाँ अंगूठा लगाना है। ओहो, ये तो अच्छी खबर है मुन्ना, गजोधर खुश हुआ। मेरी खुशनसीबी। बाकी कैदी कहाँ है? सैनिक लाते ही होंगे। तो फिर इन्हें भी साथ रख दो। जरा सोचो गुड्डी, ये सब तुम्हारा हो सकता था। इन्हें भी उस पहिए से बांध दो और लड़ाई की तैयारी करो मुन्ना। मुझे अपने सिंहासन को बचाना है और उस बच्चे को सबक सिखाना है। रामगढ़ का राजा तो मैं ही रहूंगा, किसी को पसंद हो या ना हो। कौन है वहाँ? सामने आओ, सामने आओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या? मुझे नहीं पता। अरे बापरे, वहाँ तीनों पकड़े गए। वैसे हम तीनों कभी नहीं पकड़ पाती क्योंकि हम तीन फूल और एक हाफ है। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसे देखो, वो बच्चा हमें धमका रहा है। कितना क्यूट है ना? ओह
चलो आगे बढ़ते हैं। कौन हो तुम? हम हैं ट्रिया। अरे वाह। और हम इस पुल की रक्षा करने वाले ट्रोल योद्धा हैं। टीटू प्लीज कुछ गलत मत कह देना। अरे वाह, मेरा नाम है टीटू और ये मेरे दोस्त हैं। अरे यार, हमें ये पुल पार करना है ताकि मैं अपने डैड की पूंछ शरीर से फिर से जोड़ सकूं जो धूप की वजह से पत्थर बन गया है। उसके लिए हमें पकिया से लड़ना होगा और अगर हम पूंछ नहीं ला पाए तो वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ सो तो है। चलो सोचते हैं। ठीक है तो चलो हम तुम्हें एक मौका जरूर देंगे, एक पहेली, और तुम्हें तीन मौके मिलेंगे। अगर सही जवाब दिया तो तुम सब इस पुल को पार कर सकते हो। अगर गलत जवाब दिया तो फिर तुम हमारे डिंपल का खाना बनोगी। डिंपल हेलो बोलो। ये तो बहुत प्यारी है। ये लड़की है। हाँ, बहुत प्यारी है। चलो गेम शुरू करें। तुम्हें इस खेल में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हमारे शो में तुम्हारा स्वागत है। पहेली के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये तो अफसरा है। सब मेरी आहट सुनते हैं लेकिन किसी ने मुझे देखा नहीं है और मैं तब तक नहीं बोलती जब तक पूछा नहीं जाए। मैं कौन हूँ? स्त्री। नहीं, गलत जवाब। कुछ कुछ मत कहना। आवाज आती है लेकिन मैं दिखती नहीं। सोचो पिंकी, सोचो क्या होगा। तुम इतनी अकेली क्यों हो? हाँ, ये कोई जवाब नहीं है, ये सवाल है। ज्यादा चालाक मत बनो। हमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता, यहाँ सिर्फ हम सवाल पूछते हैं, समझ गए बच्चे? मुझे पता है, जानता हूँ। रुको, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम यहाँ अकेली क्यों हो। यकीन नहीं होता, ये सवाल पूछने वाले तुम पहले हो। सच में आज तक किसी ने हमें ये नहीं पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे सारे खिलौने वहाँ पड़े हैं, लगता है सदियों से इन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया है। इसका मतलब या तो ये खिलौने तुम्हारे नहीं है या तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। चलो फिर सोचते हैं। देखो तुम सब प्यारे बच्चे हो, इसलिए हम तुम्हें पुल क्रॉस करने की इजाजत दे देते हैं। चुप बैठो डिंपल, ये ट्रोल्स तो हमारे दोस्त हैं। वाओ, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये सब बकवास गेम है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। टीटू चलो चलें। चलो भी। एक सेकंड रुको दोस्तों, एक काम अभी भी करना बाकी है। ओके दोस्तों, अब चलना चाहिए, हमें अधूरा काम पूरा करना है, भूल गए क्या? देखो तुम जैसे ही पुल पार करोगे थोड़ा आगे जाकर तुम्हें घाटी के लिए शॉर्टकट दिखाई देगा। मतलब शॉर्टकट है? सुनो, वहाँ से जल्दी पहुँच जाओगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमारे साथ वक्त बिताने के लिए शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों बाय। उस पकिया की छुट्टी कर देना और जल्दी लौट आना, वो तुम सबको नहीं खाएगी। पकाएंगे। एक मिनट, क्या कहा? ओ,
जवाब है गूंजना। क्या? जो सुनाई देता है लेकिन दिखता नहीं, तभी बोलता है जब दूसरा आवाज दे, वो है गूंजना। अरे नहीं, नीचे और नीचे और नीचे। महाराज, क्या आपको यकीन है आप ये कर पाएंगे? ऐसा लॉन्च सहने की शक्ति अगर किसी में है तो वो सिर्फ आप में है, मतलब आप, आपके सिवाय कौन? देखो मैं तुम्हारे लिए टिफिन लाई हूँ बेटा। शुक्रिया माँ। मुन्ना, खींचो वो डंडा। मैं तुम्हें रोकने आ रहा हूँ टीचू। वो मुझे प्यार करती है। वो मुझे प्यार करती है। वे मुझे प्यार करती है। वो मुझे प्यार करती है। वो मुझे प्यार करती है। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वैसे जिस जगह का नाम आखिरी घाटी हो वो कैसी होगी? फिर से ऐसा नाम। पीछे हो जाओ। ये पत्थर नहीं हटेगा, हटाने के लिए कोई जादू चाहिए। हसमुख चाचा ने मुझे हल्की फुल्की चीजें उठाने का जादू सिखाया था, लेकिन ये तो सीधा खड़ा पहाड़ है। जादू तो जादू होता है, क्या हल्का क्या वजन भार, जल्दी तुम करो। तुम कर सकती हो पिंकी, हमें तुम पर यकीन है। मेरी मदद करो अमीर, जादू की महान देवता, हमारी मदद करो, मदद करो, हटो हटो हट जाओ। पिंकी, क्या हुआ? ये बहुत अच्छी कोशिश थी। मुझसे नहीं होगा टीटू, नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यहाँ ले आई और अब हम अटक गए हैं। हम कभी ये पत्थर नहीं हटा पाएंगे। मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं पिंकी, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। शायद हम इस पहाड़ को नहीं हटा सकते, लेकिन एक एक पत्थर तो हटा ही सकते हैं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है पिंकी। वैसे शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। तुम लोग अगर चाहो तो पीछे हट सकती हो। ठीक है। तुमने कर दिखाया पिंकी। अब मुझे ऐसे मत देखो, चलो हमें आगे बढ़ना होगा। शाबाश पिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं तो पूरा करता हूँ। चलो चले दोस्तों। लगता है हम पहुंच गए। क्या लगता है वो आसपास होगी? हाँ यकीनन होगी, यही मायूसी की दलदल है।
हाँ बिल्कुल सही कहा। पता नहीं क्यों लेकिन तुमने सुना वो लगता है मुझे अपने पास बुला रही है। बहुत सुंदर। तुम दोनों रुक जाओ। बहुत सुंदर। जगह है क्या पता नहीं लेकिन इस डरावने मायूसी के दलदल में है तो अच्छी तो हो ही नहीं सकती समझे। समझ गया। आ, मेरा पैर टूट गया। संभल कर चलना। अब तुम्हें थोड़ा उजाला करना होगा पिंकी। हाँ अभी करती हूँ। पता चला इसे मायूसी का दलदल क्यों कहते हैं। हम सब मारे जाएंगे दोस्तों। टिंकू अब हमें क्या करना चाहिए। डर के मारे हमारी पतलून गीली हो गई है। कोई अपनी जगह से मत हिलना। टिंकू मैं कुआं नहीं मरना चाहता। वो रही मेरे डैड की पूछ। तुम किसका इंतजार कर रही हो। जादू से इसे चूहा बना दो। मैं सिर्फ हरी घास को चमुनी बना सकती हूँ। क्या उसे ये शांत हो जाएगी। पका मुझे क्या पता मैं पिछले महीने तो जादू सीखी हूँ। मैंने कहा हमें आना ही नहीं चाहिए था। अरे नहीं
की छुट्टी कर दी। तुम्हें कैसे पता चला इसे संगीत पसंद है? चाहिए है ना, लेकिन ये नहीं दे सकता। ड्रीम, तुम पागल हो गए हो? देखो, अगर पुरानी कहानियां सही है तो तुम्हें लगता है इससे तुम्हारी आत्मा लौट आएगी और ट्रोल्स तुम्हें फिर से चाहने लगेंगे, और जब ऐसा नहीं हुआ तो शायद तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, है ना? देखो, एक बार मेरी बात सुनो। अगर तुम एक अच्छे ट्रोल हो, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो सब तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। उसके लिए तुम्हें पूछ की जरूरत नहीं। मुझे किसी अपने को जिंदा करने के लिए यह पूछ चाहिए, लेकिन इस काम के बाद अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ वापस लौटकर तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूंगा। मम्मी जिंदा है? अरे जल्दी चलो दोस्तों, और तेज। ये क्या? ये सब कैसे हो गया? मुझे नहीं पता टीटू, ये कैसे हुआ? जरूर हम रास्ता भटक गए होंगे, पता नहीं कैसे। मुझे माफ कर दो, हम सही वक्त पर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। मेरे डैड हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। हिम्मत मत हारो, मेरा जादू जरूर हमारी मदद करेगा। तुम्हारा जादू? हम चमत्कार का इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास वक्त नहीं है। टीटू, ये सही नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मुझे? मैं बस एक बार उन्हें मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता था कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ करना डैड। Yeah!
किया यमर। हम सही वक्त पर वहां पहुंच सकते हैं। देखो कौन आया है। तुम भी अपने बाप की तरह कभी हार नहीं मानोगे बच्चे। निकल जोधर, अब आपका खेल खत्म हो गया। क्या कहा? अब तुम भी मरोगे। मैं क्या कह रहा था? अपलम चपलम। देखो हम भले ही बहुत आसी हैं और हम हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। टीटू, मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। अब जाओ, जल्दी से ये पूछ पिताजी को लौटा दो। इसे हम देखते हैं। चलो टीटू, शुक्रिया अपलम चपलम। तुम क्या चाहते हो मोटे आदमी? घर चलना है? चलो इसका काम तमाम करते हैं। अरे वाह, एक मुक्के से दो शिकार। तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। मार के तो दिखा। तुम मुझसे नहीं बचोगे। दोस्तों हमला करो। कितने क्यूट और फ्लफी हैं। मजा आ गया। बेवकूफ कहीं के, मुझसे नहीं बच पाओगे। कहाँ जा रहे हो? हमारे हीरोज। आज तक हमने तुमसे बहादुर रोल नहीं देखे। हे, क्या तुम्हारा कोई तीसरा भाई है? अब हम क्या करेंगे? मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ, तो फिर चलो मेरे साथ। देखो टीटू, टीटू। सुनो दोस्तों, सब लोग रुक जाओ। आगे चलते रहो। नहीं, पकड़ो उस लड़के को। टीटू, वो है तुम्हारी डैड। समझ गया। बहुत बढ़िया। हाँ।
गया मैं। पकड़ लिया। क्या हुआ था? टीटू ने तुम्हारी जान बचाई है। अब मैं बिल्कुल राजा नहीं बनना चाहता। सच कहूं ये तो बहुत मुश्किल है। ओ टीटू। पिताजी। बेटा तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो गए हो। गजोधर, मुझे सिर्फ एक वजह बताओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए रामगढ़ से निष्कासित क्यों ना कर दूं? एक मिनट, लेकिन आखिर इसने किया क्या? इसने धोखे से मुझे पत्थर बनाया और खुद रामगढ़ का राजा बन गया। क्या ये सही है गज्जू? चलो अभी राजा से माफी मांगो। लेकिन पिताजी, तुम एक सिपाही हो और सिपाही गलतियां मानते हैं। चलो अभी राजा राम सिंह से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। और जोर से, मुझे माफ कर दो। लेकिन किस लिए? मुझे माफ कर दो तुम्हें पत्थर बनाने के लिए और तुम्हारा राज्य हथियाने के लिए महाराज, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। डैड,
अगर इस सफर से मैं कुछ सीखा हूँ तो वो ये है कि इस दुनिया में कोई भी ट्रोल बुरा नहीं है, शायद हम ही उन्हें समझ नहीं पाते हैं। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर है। हाँ, मुझे पता है। महाराज। हा? मेरी महारानी। मेरे महाराज। तुमने तो सबको बचा लिया राजकुमार। हाँ, हमने बचा लिया, क्यों है ना? हाँ बिल्कुल, हम आ गए। हाँ, और हमें सब कुछ जानना है। क्या फिर हमने मौत का पुल पार किया। बहुत मजा आया डैड। वाह, हमें भी साथ में सफर करना चाहिए। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। महाराज वापस आए और सबको कर दिया खुश। वो है सबसे ताकतवर और सबके चहेते। कौन है वो? जरा जोर से कहो। और फिर से रेस में दौड़ेंगे हम और हमेशा के लिए मिल गए सबके घर। बूम शक्का लका, बूम शक्का लका लका। कैसा लगा मेरा गाना? मुझे मानना पड़ेगा, हमारे जोकर में दम तो है। हमने इसे भी माफ कर दिया। जी बोलिए महाराज। मुझे अच्छी तरह पता है तुमने कई अतरंगी कानून बनाए थे, लेकिन मेरे ख्याल से एक काम सही किया। तुम्हारे इसी कानून से हम अगला राजा चुनने का सुरक्षित तरीका ढूंढ सकते हैं। या फिर रानी। क्या हुआ? ऐसा भी तो हो सकता है। ओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये लीजिए महाराज। चलो मस्ती करते हैं। शाबाश किंटू, क्या बात है? क्या बात है बेटे, तुमने ये सब कैसे सीखा? बस एक एक कदम रख कर डैड। ओ, तुम कितने रोमांटिक हो। बस हो गई कहानी खत्म। आगे क्या होता है? क्या टीटू राजा बनता है या उस पक्या का क्या हुआ? बिल्कुल, टीटू राजा बना, बल्कि वो सबसे कम उम्र में दानव राजा बन गया और उसने इतने कारनामे किए कि सुनते सुनते सुबह हो जाएगी। मगर वो कहानियां फिर कभी सुनाऊंगा। क्या मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊं प्लीज? गुड नाइट चिंटू। गुड नाइट।
Режиссер Кевин Монро. Продюсер Иэн Мин Лу. Композитор Дэниел Скотт.